एक डिजाइन बनाने में सिर्फ 2 घंटे लगे और एक डिजाइन का मैंने क्लाइंट से $120 चार्ज किया। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वो कंप्लीट प्रोसेस, फाइबर मैसेज ओपन करने से लेकर जबरदस्त फाइनल पैकेजिंग डिजाइन डिलीवर करने तक हर स्टेप आपके सामने। फाइबर की इस गिग से मुझे क्लाइंट का मैसेज आया, हाय आई लीड पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन फॉर न्यू लिप पैच प्रोडक्ट समथिंग सॉफ्ट एलिगेंट एंड मिनिमल। सबसे पहले मैं क्लाइंट से डिटेल्ड ब्रीफ लेता हूँ। क्लाइंट ने मुझे एक लाइट और सॉफ्ट कलर का मूड बोर्ड शेयर किया जिसमें लग्जरी स्किन केयर वाइब थी, लाइट पेज बैकग्राउंड, सैरी फॉन्ट्स और सटल फेमिनल एलिगेंस। इस इनिशियल ब्रीफिंग से मुझे ये क्लियर हो गया कि क्लाइंट को एक्चुअल में क्या डिजाइन चाहिए। नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं क्लाइंट से हमेशा डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन रखता हूँ ताकि दोनों साइड्स को ये पता हो कि प्रोजेक्ट कितनी देर में डिलीवर करना है और इसकी प्राइस क्या होगी। इसी वजह से मैंने क्लाइंट को लिखा, कैन यू प्लीज कंफर्म योर बजट रेंज एंड आइडियल टाइम टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। क्लाइंट का रिस्पॉन्स बहुत सिंपल था, I need a packaging design concept within 4 days. Budget is $120. मुझे प्रोजेक्ट की प्राइस भी रीजनेबल लगी और जितने टाइम में क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट चाहिए वो भी मुनासिब था, तो मैंने उसी मोमेंट कस्टम ऑफर सेंड कर दिया। ऑफर में क्लियरली मेंशन किया 2 concepts, 1 reveal, 4 days delivery. फाइनल प्रिंट रेडी फाइल्स। फाइबर प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस पे आप क्लाइंट को कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नंबर 3 पे है डिजाइन प्रोसेस। देखिए, जब तक मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मैं किसी भी प्रोजेक्ट को तब तक स्टार्ट नहीं करता। इंस्पायरेशन लेने के लिए मैं पिंटरेस्ट का यूज करता हूँ। पिंटरेस्ट पे ये फायदा होता है कि आपको इनिशियल डिजाइन और कुछ इंस्पायरेशनल इमेजेस मिल जाती हैं, इससे आपका आइडिया बिल्ट हो जाता है और उसी आइडिया की बेस पे आप अपना मूड बोर्ड जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को वो 5 steps बताने जा रहा हूँ जो मेरे डिजाइन प्रोसेस के अंदर आते हैं। नंबर 1 पे है डाइलाइन प्रिंट फाइल बनाना। मैं इलस्ट्रेटर पर पैकेजिंग साइज के मुताबिक उसका स्ट्रक्चर बनाया। नंबर 2 पे है मैंने ब्रांड नेम के लिए सेरिफ और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज किया। नंबर 3 पे है विजुअल एलिमेंट्स। विजुअल एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट चीज लिप्स को हाईलाइट करना था और पिंक शेड्स को विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया। और लास्ट पे है लोगो प्लेसमेंट, कॉन्टेंट एडजस्टमेंट। डिजाइन को फर्स्ट लुक में विजुअली सॉफ्ट और प्रीमियम दिखना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी वाइब रिफ्लेक्ट करे। उसके बाद मैंने पेक्डोरा को यूज किया फाइनल मॉकअप जनरेट करने के लिए। फ्लैट डिजाइन को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करके रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन बनाई जो क्लाइंट को पैकेजिंग के रियल वर्ल्ड फील दे सके। पेक्डोरा का यूज कैसे किया जाता है ये आप स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फाइनल डिजाइन कुछ इस तरह से बन के हमारे सामने है। नंबर 4 पे है जो इनिशियल डिजाइन अभी मैंने बनाया ये क्लाइंट को डिलीवर करना है। मैंने क्लाइंट को लिखा, प्लीज चेक द इनिशियल डिजाइन कॉन्सेप्ट, इफ अप्रूव लेट मी नो सो आई कैन प्रिपेयर द फाइनल फाइल्स एंड शेयर विद यू। फीडबैक फेज हर डिजाइनर के लिए एक रिस्की जोन होता है, लेकिन इस बार मुझे सरप्राइज मिला। क्लाइंट का रिस्पॉन्स, दिस लुक्स परफेक्ट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लें तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जितना अच्छा आप ब्रीफ को अंडरस्टैंड करेंगे और क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछेंगे आपका प्रोजेक्ट उतना स्मूथ जाएगा और रिव्यूज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नंबर 5 जो कि लास्ट स्टेप है, इस स्टेप में मैंने अब फाइनल फाइल्स प्रिपेयर करनी है और क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट फाइवर पर डिलीवर करना है। थैंक यू फॉर योर प्रोजेक्ट, Here are your final files. Let me know if anything else is needed. और फिर मिला मुझे 5-star review जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो सब था जो मैं एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर डेली बेसिस पर कर रहा होता हूँ। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या पेक्डोरा जैसे टूल चलाना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ इंस्पायरेशंस और आइडियाज का होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी डिजाइनिंग के साथ साथ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाइए। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।